आप सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं पीके साहू, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, कई लोगों ने सवाल ये करते हैं कि जिसकी योग्यता 50% से कम है उसका क्या होने वाला है, तो उसी संबंध में आज चर्चा करूंगा। 3 मिनट 3-4 मिनट का वीडियो बनेगी, ध्यान से सुनिएगा। अभी 11/2/2023 में दैनिक भास्कर के अनुसार जो एक समाचार पत्र में ये छपा हुआ है कि शैक्षणिक योग्यता में आरक्षण नहीं देने का शासन का आदेश निरस्त, शिक्षक भर्ती याचिकाओं पर हाई कोर्ट का फैसला, मतलब ये छपा हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि जब 2019 में 14,580 पद निकले हुए थे, जिसमें आप सभी को पता है कि सहायक शिक्षक जो डीएड किए हैं उसको 50% दिया गया था, और जो बीएड किए हैं उनको भी 50% मतलब स्नातक में चाहिए था। इनके साथ साथ जो है विसंगतियां भी हुई थी, आपको पता है कई जगह इस प्रकार से हुआ था, जानकारी में आया था कि 45% कहीं पे पात्र तो कहीं पे 50% को पात्र, कुछ इस प्रकार से जानकारी मिला हुआ था। अब कई लोगों को अपात्र कर दिया गया था 50% से कम होने के कारण, चाहे वो स्नातक का हो चाहे 12वीं का हो। तो इस समाचार के अनुसार यह कहा जा रहा है कि शिक्षक, सहायक शिक्षक और वैधता भर्ती में शैक्षणिक योग्यता में आरक्षण का लाभ नहीं देते हुए अपात्र करने के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने उम्मीदवार के पक्ष में फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने राज्य शासन के आदेश को निरस्त करते हुए पात्र उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ देने तथा उन्हें नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जितने लोगों को आप जिन्होंने याचिका लगाया था उनका यह कहना है कि आरक्षण नहीं दिया गया था, जबकि 5% की शैक्षणिक योग्यता में आरक्षण दिया जाता है, छूट दिया जाता है, तो उसे लेकर के याचिका लगाई गई थी जिसमें उसको राहत दिया गया है, और यह भी कहा गया है उसे निरस्त कर दिया गया है और साथ ही साथ उसको नियुक्ति देने के भी आदेश दिया है माननीय हाई कोर्ट ने। तो इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है, इससे यह रास्ता ये खुल जाता है कि जब भी आगे नोटिफिकेशन आएगी तो जिसका 50% से कम है, जिसमें उल्लेख नहीं किया गया था कि ST SC OBC को 5% के छूट नहीं दिया गया है, ये उल्लेख नहीं किया गया था 2019 में, तो अब जो है उल्लेख किया जा सकता है, ये तो कंफर्म होते जा रहा है। तो साथ ही ये बहुत अच्छी खबर है आप सभी के लिए, जिसका 50% से कम है उसको घबराना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा एक और अच्छी खबर है, और अच्छी खबर कह सकते हैं आप, जैसे भी खबर कर सकते हैं कि ये तो परिवर्तन होता रहता है, बदलते रहते हैं, कि अब से हमारे छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल श्री महामहिम विश्वभूषण हरिचंदन जी रहेंगे, जिसका जन्म 3 अगस्त 1934, और वे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के 7वें गवर्नर के रूप में आने वाले हैं। और हमारे जो पिछले जो गवर्नर थे, राज्यपाल थे, उनको दूसरी जगह बदल दिया गया है, शायद मणिपुर में उनका ट्रांसफ़र हो चुका है। तो आगे की राज्यपाल हमारे विश्वभूषण हरिचंदन जी का हम स्वागत करते हैं और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सबको पता है आरक्षण मामला राजभवन में अभी तक अटका हुआ है, मार्च आने वाली है, बहुत जल्द इसका फैसला आने वाला है, और सभी लोग तैयारी करने में जुटे हुए हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, जिन साथियों को गणित, जैसे कि गणित जो बेसिक जानकारी उनको चाहिए होता है, कई लोगों को मैथ बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, उनके लिए कहना चाहूँगा, मेरे द्वारा अभी नवोदय का क्लास लिया जा रहा है बच्चों को, तो उसमें मैं बेसिक से सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आप वीडियो देखते हैं, आप ये मत समझिएगा कि वो तो नवोदय का है उसको क्यों पढ़े, तो आप गलत फहमी में रहेंगे, क्योंकि जो गणित मैं आपको पढ़ाता हूँ या मैं खुद पढ़ता हूँ परीक्षा दिलाने के लिए, वही गणित मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, और वही चीज़, वही सिलेबस उसके में है। वही चीज़ जो आप पढ़ते हो बड़े बड़े पोस्ट के लिए, वही चीज़ नवोदय में पूछे जाते हैं। अब मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि उनके साथ साथ आपके भी काम आ जाएंगे, उनके लिए जो बेसिक से शुरू करना चाहते हैं, जो गुना भाग है ना, जोड़ना घटाना को शुरू करना चाहते हैं, और थोड़ा अच्छे ढंग से धीरे से सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। एक बार ज़रूर वीडियो देखिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा, आपको सीखने भी मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करिए।